जो चौधरी तथा मीठे आमों की धरती है, होशियारपुर जिले की किर्त कला तथा तलीम के हुनर कदरदान इंसानों की विद्या तथा हुनरमंदी की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए एक स्वप्न की करामात सामने आई, जो इस क्षेत्र के महान सपूत तथा कर्मयोगी इंजीनियर परमजीत सिंह के भाग्य में आई। इसीलिए चेयरमैन सर की सच्ची लगन, मेहनत, ईमानदारी तथा दृढ़ इच्छा शक्ति अटलगढ़ मुकेरियां जिला होशियारपुर में रंग लाई। इसमें गुरु नानक देव एजुकेशन ट्रस्ट की एक ऐसी ज्योति प्रकट हुई कि चेयरमैन साहब ने फिर पीछे की ओर नहीं देखा। मैनू इसका संस्थापक होने बहुत मान है। ये जड़ी संस्था ट्रस्ट है खोली गई सी पी पेंडू एरिए जी साढ़े होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट जी टैक्निकल एजुकेशन की बहुत घट सी और जोड़े बच्चे है बहुत दूर दराडे एरिए जाते आर्थिक तौर पर जोड़े बच्चे जो बहुत कमजोर से वो ये जी एजुकेशन प्राप्त नहीं सी कर सकते। सो एक सोल मोटिव पूरा करन दे लई असी सब तो पहला पॉलीटेक्निक कॉलेज अटलगढ़ विच खोलिया जिहड़ा कि सरदार बहादुर कैप्टन मेहताब सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाते बहुत मशहूर है। ये जिहड़ी संस्था 97 विच खोली गई जिले होशियारपुर विच गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज होशियारपुर तो बाद दूजी संस्था सी। इस संस्था विच जो पढ़ के बच्चे जिहड़े हैगे बहुत ही अच्छी पोजिशन ते जा चुके हैं और देश की सेवा कर रहे हैं और बाहर भी बहुत बच्चे साढ़े इस संस्था चो डिप्लोमा करके एडजस्ट हुए हैं। तथा इससे ज्योत से ज्योत प्रज्वलित होती गई। इससे एक दर्जन के करीब शिक्षण संस्थाओं का जाल बिछ गया। इसके फूल रूपी ट्रस्ट की कर्मवार खिलती की पंखड़ियों ने इलाके को अपनी खुशबू से महका दिया, टहका दिया। क्यों न हम इन सभी विद्या तथा हुनर रूपी मंदिरों के दर्शन दीदार हमारे प्रथम संस्थान अटलगढ़ से शुरू करें। अब हमारा काफला पहुंचा है SBC MS पॉलिटेक्निक कॉलेज अटलगढ़ यानी कि मुकेरियां के निकट। 1997 से शुरू हुआ ये संस्थान अपने 2 दशक के पूरे होने के जश्न मना रहा है। इस कॉलेज की कारगुजारी से इलाके के भाग्य खुल गए तथा विद्यार्थी यहाँ से कोर्स करके आत्मनिर्भरता की पींग पर चढ़कर सफलता के हुलारे ले रहे हैं। यहाँ शानदार आधुनिक कमरों तथा बहुत ही उपयोगी प्रयोगशालाएं तथा समय के अनुरूप मशीनरी के साथ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के कोर्सेज चल रहे हैं। स्वच्छ पानी तथा हवा, स्वस्थ सुविधाएं, उचित वातावरण, माता पिता की संतुष्टि, सदाचार गुणों के धारणी बनाने की भावना के साथ पूरा स्टाफ कार्यशील है। यह इंस्टीट्यूट 1997 से शुरू हुआ और आज इसने 20 वर्ष पूरे करके एक नया आयाम रच दिया। जितने भी विद्यार्थी हैं जो यहाँ से पास आउट हुए हैं वो देश के हर कोने में अलग अलग जगह, अलग अलग कंपनियों में, सरकारी नौकरियों में कार्यरत हैं। कुछ विद्यार्थी विदेश में भी गए हैं। और आइए अब चलते हैं हरियाणा डोलबहा सड़क पर। कब चले, कब पहुंच गए ये पता भी नहीं चला। आ भी गया नौशहरा। हाँ जी, गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट नौशहरा। मन खुश हो गया बाहर से ही इस कॉलेज की नई नवेली विशाल बिल्डिंग देखकर। ये बिल्डिंग शिक्षा जगत की सभी सुविधाएं प्रदान करने का दावा करती है। जहां इस देश के वारिस बच्चे हुनरमंद बनकर आशावादी समाज की सृजना के पात्र बनते हैं, यहां मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग तथा BTech की कक्षाओं तथा प्रयोगशालाओं की भी पूरी व्यवस्था है। संस्था का मेहनती तथा उच्च योग्यता प्राप्त स्टाफ IIT तथा NITE से प्रशिक्षित है। हमारा इंस्टीट्यूट जो है इंजीनियर परमजीत सिंह जी एवं
श्रीमती अरविंदर कौर जी की अध्यक्षता में चलाया जा रहा है। हमारे पास में टीचर की क्वालिटी IIT, NIT एवं प्रमुख गवर्नमेंट संस्थानों से शिक्षित लोग काम कर रहे हैं। अब हम पहुंच गए हैं हरियाणा के निकट एक बहुत ही भाग्यशाली गांव डल्लेवाल। डल्लेवाल में जहां ये चार शिक्षण संस्थान अपने अलग अलग कोर्सों से इंसानी जीवन को भरपूर बना रहे हैं, वहां इस समय इन संस्थाओं के समूह का मुख्य कार्यालय यानी कि ट्रस्ट के चेयरमैन इंजीनियर परमजीत सिंह तथा वाइस चेयरपर्सन मैडम अरविंदर कौर जी के सहयोग्य नेतृत्व में अपने गौरवमयी दायित्वों से कार्यशाली है। लीजिए जी, अब हम इन हुनरों के गुलशन के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं। वी आर आल्सो इन द प्रोसेस ऑफ कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज सो दैट आवर स्टूडेंट्स कैन कम्पीट एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। रिसेंटली मिस्टर क्रोटियस मुस्तकस फॉर्मर इमिग्रेशन ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ कनेडा एंड मिस्टर पैट्रिक ब्राउन लीडर ऑफ ऑफिशियल ऑपोजिशन ओंटारियो have visited our campus and they have appreciated the kind of education we are providing to the students. I assure to the public very soon we will be able to migrate our students to other developed countries like Canada, America and UK. Further, we are also designing the faculty exchange program and student exchange program with the international university. जान है तो जहान है, इस कथन को सन्मुख रखते हुए हमारे चेयरमैन साहब ने यहाँ डल्लेवाल में ही गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी की आत्मनिर्भर संस्था को इस संस्था के नक्शे पर बहुत ही शिद्दत से रूपमान किया है। हम इस संस्थान की सर जमीन पर हाजिर खिदमत हैं। इस इंसानी जिंदगियों की रक्षक संस्था में इसकी गुणवत्ता को समझते हुए अन्य संस्थाओं की तरह बहुत ही मेहनती कुशल एवं उच्च योग्यता प्राप्त स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की गई है। क्या कहा, बताया ही नहीं कि यहाँ कौन कौन से कोर्सों की व्यवस्था की गई है। लीजिए तो सुनिए फिर, यहाँ बी फार्मेसी के साथ साथ एम फार्मेसी के कोर्सेज भी कुशलता के साथ चलाए जाते हैं। यहाँ मानवता की रक्षा के लिए दवाइयाँ, इनकी महत्ता, प्रयोग, दवाइयों के बाजारीकरण की सकारात्मक तथा नकारात्मक तस्वीर, मानवीय शरीर तथा उसके विकार, चिकित्सा बीमारी रहित करने की सेवा के योग्य बनाकर देश विदेश में सरकारी गैर सरकारी नौकरी तथा निजी सेवा के रोजगार के लिए समर्थ किया जाता है। इस इंस्टीट्यूट में बेसिकली मेडिसिन दैट मींस द दवाइयों के बारे में सारी बच्चों को नॉलेज, सारा प्रैक्टिकल बेस्ड लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, कैसे हमारी मार्केट में दवाइयां आती हैं, कैसे उसका बनाया जाता है, कैसे उसको डोज लिया जाता है, ये सारी चीज़ें नॉलेज दी जाती है कहते हैं। I feel really proud that our institution is a great source of education in the district Sharpur for over and two decade now. Our first institution is established in 1997 and till now we have achieved a great success in the field of education. Our motto is to provide a great education to our students so that they can test themselves not on the national level but also on the international level. Guru Nanak Polytechnic College, Dallewar. Bilkul ji. हम इस कॉलेज की मन लुभावनी इमारत में दाखिल हो चुके हैं। देश को आज के समय में हस्तकार्य, दस्तकारी तथा उद्योग जगत से जुड़ने की बेहद जरूरत है, इसीलिए इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस कॉलेज में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डी फार्मेसी तथा सिविल इंजीनियरिंग कोर्स बहुत ही सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं। इंटरनेट, ऑडियो, वीडियो तथा आधुनिक प्रकार के कंप्यूटर से संबंधित सॉफ्टवेयर से लैस उपकरण हाजिर बर हाजिर हैं। एक धारणा है कि हमारे औजारों या मशीनरी के अस्तित्व के सृजनहार बाबा विश्वकर्मा जी को माना जाता है। कार्य की शुरुआत करते समय बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए हाथ जोड़कर स्टाफ सहित पूजा अर्चना की जाती है।
इस तरह नेक नियति के संस्कारों के भागीदार बनाना भी हमारे चेयरमैन इंजीनियर परमजीत सिंह के भाग्य में आया है। जब यहाँ मशीनों के धुरे चलते हैं तो इनमें से झरनों तथा कीर्त रूपी संगीत की गूंजती धुने मेहनत मशक्कत का पैगाम देती हैं। इंजीनियर परमजीत सिंह जी ने 2004 में ये स्टार्ट किया था यहाँ पे, और यहाँ पे उन्होंने जो आसपास की जो हमारे, क्योंकि हमारा जो होशियारपुर है वो शिक्षा के क्षेत्र में पूरे पंजाब में सबसे आगे है और यहाँ की जो साक्षरता दर है वो पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ के बच्चों के बीच वो चाहते थे कि ये साक्षरता दर जो है वो एक तकनीकी शिक्षा में भी हो, इसलिए उन्होंने ये संज्ञान लिया कि हम यहाँ पे कुछ तकनीकी शिक्षाओं के लिए कुछ कार्यक्रम कुछ प्रोग्राम स्टार्ट करें ताकि हमारे बच्चों में जो तकनीकी शिक्षा है जिसके द्वारा उनके हाथों में एक कुशलता है और वो कहीं पे भी पूरे इंडिया और पूरे विश्व में काम कर सके। उधर देखो, शायद अध्यापक क्लास में पढ़ाने की बजाय आप विद्यार्थी बनकर पढ़ रहे हैं। ठीक समझा आपने, ये है गुरु नानक कॉलेज ऑफ एजुकेशन डल्लेवाल। यहाँ बीएड, एमएड तथा ईटीटी की आधुनिक ढंग से पढ़ाई करवाकर देश के निर्माता, उस्ताद, मास्टर, सर आदि बनाए जाते हैं। पहले वाला जमाना नहीं है कि एक काला बोर्ड, चौक तथा अध्यापक। नहीं जी, अब तो आप देख ही लो, डिजिटल इंडिया की तस्वीर के अनुसार अनेकों ही प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर बेस, सैटेलाइट पढ़ाई, साजो सामान सामग्री से जुड़ी शिक्षा मुहैया करवाई जा रही है। यहाँ ही बस नहीं, विद्यार्थियों के महज ज्ञान के लिए कॉलेज से बाहर की सरकारी, गैर सरकारी टीमें लाकर बहुत बड़ी चेतना तथा जागरूकता का अमल अस्तित्व में लाया जाता है। अब आप ही देख लो, सामने एक सेमिनार की पूरी तैयारी है। ये सेमिनार नशाखोरी पर आधारित है, जिसमें माहिर आकर नशों के विरुद्ध लामबंदी करने की प्रेरणा में कार्यशील हैं। यहाँ ये बताना बेहद जरूरी है कि शिक्षा के बिना अन्य विषयों पर सेमिनार तथा सभ्याचार कार्यक्रमों का अक्सर प्रबंध किया जाता रहता है। 2003 से कॉलेज चला हुआ है, तब उसमें बीएड थी और आज इसको 15 साल का टेन्योर हो गया कॉलेज में, काफ़ी बुलंदियों पे है और हमारे बच्चे काफ़ी मतलब यूनिवर्सिटी में भी पोजीशन लेते हैं, बीएड में भी, और ईटीटी बच्चे हमारे एससीईआरटी में काफ़ी पोजीशन लेते हैं। इसी प्रकार का एक अन्य अध्यापक कॉलेज बेगपुर कमलू अपनी सेवा बखूबी निभा रहा है। इससे पहले कि हम बेगपुर कमलू के अध्यापक स्कूल की ओर अपने कदम बढ़ाएं, जरा उधर गेट की ओर तो नजर दौड़ाएं। लगता है चेयरमैन इंजीनियर परमजीत सिंह आ रहे हैं। गाड़ी से उतरते ही सीधे ही कार्यालय की ओर जा रहे हैं। चेयरमैन साहब की हमेशा यही इच्छा होती है कि वो प्रतिदिन पहुंचते ही अपने दफ्तर में स्टाफ मीटिंग के अलावा विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों तथा अध्यापक विद्यार्थियों की संयुक्त मिलनी करे, जिससे वो उनकी समस्याओं से अवगत होकर शीघ्र ही समाधान करके खुशी और संतुष्टि हासिल कर सकें। और देखिएगा उधर, ट्रस्ट के दफ्तर में कॉलेज के अलग अलग विभागों के सीनियर अधिकारी अब तक की कारगुजारी तथा आगामी रणनीति तय करने संबंधी विचार विमर्श करने के लिए बुलाई गई मीटिंग के लिए पूरी तरह त्यार बर त्यार बैठे हैं। लो, वो भी आ गए और साथ ही शुरू हो गई मीटिंग की कार्रवाई। मीटिंग का सारा एजेंडा कर्नल साहब पेश कर रहे हैं। लगभग रोज का ही नियम है कि चेयरमैन साहब जब इन संस्थाओं में पहुंचते हैं तो वो दफ्तर में अपने सीनियर अधिकारियों से ताजा रिपोर्ट प्राप्त करते हैं। सभी संस्थाओं की कार्य प्रणाली की लगातार चुस्ती, फुर्ती और दुरुस्ती बनाए रखने के लिए समय समय पर चेयरमैन इंजीनियर परमजीत सिंह, चेयरपर्सन मैडम अरविंदर कौर और एमडी श्री प्रभजीत सिंह की त्रिवेणी की उच्च लेवल की बैठक भी समय समय पर होती रहती है। इसमें नए से नए वेलफेयर के मुद्दों पर विचार चर्चा की जाती है। इसके बाद वो अलग अलग कमरों में हो रही पढ़ाई का जायजा लेते हैं, अध्यापकों द्वारा करवाई जा रही पढ़ाई की प्रोग्रेस को देखते हैं तथा
जरूरत अनुसार विद्यार्थियों के हित में दिशा निर्देश भी अध्यापकों को जारी करते हैं और साथ ही विद्यार्थियों को भी कोई ना कोई गतिशील मार्गदर्शक तथा नसीहतें देना नहीं भूलते। सो ये बहुत ही जड़ा एक घाटा सी डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर दे विच जिदा एक साडा जिला जड़ा है इकोनॉमिकली बैकवर्ड है पछड़िया होया है तो ये पेंडू खेत्र दे विच जिहड़ी संस्थावां खोलियां गईयां ने तो पछड़े हुए एरिए दे विच एक साढ़े बच्चों लिए ये संस्थावां वरदान साबित हो रही हैं। प्रसिद्ध कवि बलजीत सिंह रेतगढ़ ने इनके बारे में कहा है, परमजीत सिंह इंजीनियर परम पवित्र रूह, राहु का मार्गदर्शक ये विद्या की खुशबू, कानू वान व डल्ले वाल हैं शहर ग्राम की जू, मुकेरियां जिला हुशियारपुर को कहते इसकी रूह, है दानी महाज्ञानी चानन का बंजारा, बारह तीर्थों का सृजन कर बना गगन सितारा, नौशहरे वाले कॉलेज पर भी परम का ये कर्म, उम्रे गुजरी सारी हमारा पूरन हो ये धर्म, अरविंदर मैडम की लगन और ख्वाहिश किए वो जमकर काम, हुनर कमाकर देश संभालो विरसा संभालो बनो सच्चा इंसान, धरती डल्ले वाल की गगन भरे परवान, मेहर तेरी परमात्मा नजर तेरी में लाज, बेगपुर कुमलू अंबर छूहे बाली करे दुआएं, अटलगढ़ सुख देता ऐसे जैसे घने पेड़ों की छाएं, जैसे घने वृक्ष की छाएं। अब हमारे कदम बढ़ते हैं बेगपुर कुमलू की एक संस्था की ओर, ये है गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेगपुर कमलू। ये अध्यापक बनाने की बड़ी संस्था है। ये है बीएड तथा ईटीटी कॉलेज, जहां राष्ट्र निर्माण करने वाले अध्यापक बनाए जाते हैं। इस आलीशान आधुनिक भवन में प्रशिक्षण देने की सभी डिजिटल तथा गैर डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये कॉलेज पंजाब सरकार तथा अन्य यूनिवर्सिटियों से मान्यता प्राप्त है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੀ ਐੱਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਯੂਨਿਟ ਮਿਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਈ ਟੀ ਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 500 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ 20-25 ਕਾਫੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਏ ਗ੍ਰੇਡ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਆ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਅਭੀ ਤੱਕ ਤੋ ਹਮ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤਲਵਾੜਾ ਸੜਕ ਪਰ ਹੀ ਹੈਂ। ਵੋ ਦੇਖੋ, इसी ही सड़क के किनारे ट्रस्ट की एक अन्य संस्था हुनर का संदेश दे रही है। जी हाँ, ये है माता विद्यावती मेमोरियल आईटीसी मुकेरियां। अब हम पहुँच ही गए हैं यहाँ। हमें यहाँ ये विशेष बात बताई गई है कि जो विद्यार्थी सिर्फ 8वीं-10वीं या अधिक से अधिक +2 पास हो वो यहाँ आसानी से दाखला ले सकते हैं तथा इस प्रकार दस्तकारी शिक्षा हासिल करके वो अपने जीवन की कश्ती को आनंद से पार लगा सकते हैं। क्या कहा, यहाँ कौन कौन से कोर्सों की व्यवस्था है? लो जी सुन लो फिर। इलेक्ट्रीशियन, रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग, फिटर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, डीजल मैकेनिक, बिजली तथा गैस वेल्डर, कंप्यूटर और भगवान आपका भला करे प्लम्बर, कटिंग तथा टेलरिंग, कढ़ाई, नीडल वर्क, इसके अतिरिक्त हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, आर्ट्स तथा क्राफ्ट के कोर्स बहुत ही अच्छे ढंग से करवाए जाते हैं। अच्छे करवाए भी क्यों ना जाए, उच्च स्तरीय तथा उच्च योग्यता वाला स्टाफ भी इनके पास जो है, ऊपर से चेयरमैन साहब की दिलचस्पी सोने पे सुहागा। जय हिंद जी। और मैं श्री गुरु नानक देव एजुकेशन ट्रस्ट डल्लेवाल दे विखे ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਔਰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਫਾਰਮੇਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾਸ, ITIs, ਸਕੂਲਸ, CBSE ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕੇਂਦਰ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੱਗਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੀ ਸੀਮਾਓਂ ਕੋ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹਮ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੇ ਸੰਤ ਮੋਗਾ ਸਿੰਘ ITC ਨੈਨੇਕੋਟ ਵੜੈਚ ਯਾਨੀ ਕਾਨੂਵਾਲ। ਇਹ ਦੇਖ ਕਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਡਾਲੇਵਾਲ ਕੇ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨਿਕ ਤਥਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਓਂ ਕਾ ਇੱਕ ਗੌਰਵਮਈ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ। ਯਹਾਂ ਕੌਨ ਕੌਨ ਸੇ ਕੋਰਸ ਚਲਤੇ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਸੁਣੀਏ। ਯਦੀ ਤੁਮ ਡੀਜ਼ਲ ਮਕੈਨਿਕ ਬਨਨਾ, ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਕਾ ਕਾਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਟਰ ਬਨਨਾ, ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਬਨਨਾ, ਕਟਿੰਗ ਕਢਾਈ ਬੁਨਾਈ ਜੈਸੇ ਕੋਮਲ ਕਲਾਓਂ ਕੇ ਧਾਰਨੀ ਬਨਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਤੋ ਪੁੱਛਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਲੈ ਲੋ ਦਾਖਲਾ। ਕੋਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਭਲੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੋਲ ਲੋ ਤੋ ਤੁਹਾਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਕੇ ਪਾਸ। ਇਹ ITI ਵਿੱਚ 9 ਕੋਰਸ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਮਕੈਨਿਕ, ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ, ਕਾਰਪੈਂਟਰ, ਕਟਿੰਗ, ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਆਦਿ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਦਿ ਹਨ। ਇਹ ITI ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਫੋਰਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਬ ਹਮ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਏ ਹੈਂ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤਲਵਾੜਾ ਬੇਗਪੁਰ ਕਮਲੂ, ਜਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬੇਗਪੁਰ ਕਮਲੂ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਕੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮੈਡਮ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਯਹਾਂ ਸਬਸੇ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਤਥਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਤੇ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਸਕੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਬਹੁ ਮੰਤਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਇਸਕੇ 4 ਵਿੰਗ ਹੈ, ਨਰਸਰੀ ਵਿੰਗ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ ਤਥਾ ਹਾਇਰ ਵਿੰਗ। ਯਹਾਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਯੇ ਮਤੀ ਪੂਛੋ, ਆਪ ਯੇ ਪੂਛੋ ਕਿ ਕੈਸੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਾਨੇ ਕੇ ਢੰਗ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇ ਤੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਤਕਨੀਕ ਸੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਲੈਬ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਲੈਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਹਿਸਾਬ ਸਹਿਤ। ਦੇਖੋ ਤੋ ਇਹ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਥਾ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤੀ ਤਥਾ ਪਿਆਰ ਸੇ ਪੜ੍ਹਾਨੇ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਕੇ ਸਾਥੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਨਕੇ ਲਾਣੇ ਔਰ ਛੋੜਨੇ ਕੇ ਲਈ ਯਹਾਂ ਬਸੋਂ ਕਾ ਕਾਫਲਾ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਆਪਕੀ ਬਾਤ ਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਯਹਾਂ ਹੀ ਯੇ ਬਾਤ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ। ਸਕੂਲ ਕੀ ਅਨਯ ਖੇਲੋਂ ਤਥਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਓਂ ਤਥਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਤੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਸਮਾਰੋਹ ਇਸ ਸਕੂਲ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਕਾ ਦਮ ਭਰਤੇ ਹੈ ਤਥਾ ਸਾਥ ਹੀ ਬੜਾ ਹਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮੈਡਮ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੀ ਗਾੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਈ। ਉਧਰ ਸਕੂਲ ਤਥਾ ਕਾਲਜ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓਂ ਕੇ ਲੀਏ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾਏ ਤਥਾ ਉਨਕੀ ਸਮੱਸਿਆਓਂ ਕਾ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਵੋ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੇ ਕਲਾਸੋਂ ਕਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ। ਕਮਾਲ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕੋਂ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓਂ ਕੀ ਕਕਸ਼ਾਓਂ ਕਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੇਤੇ ਹੈ ਤਥਾ ਸਾਥ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੀ ਗਰਵ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕੌਮ ਕੋ ਪਾਇਲਟ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਏ ਹੈ ਜਿਸਸੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਥਾ ਮੈਡਮ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾ ਕਦ ਔਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੁਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੰਡਰ ਦ ਡਾਇਨਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਫਾਊਂਡਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮੈਮ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੀਚਰ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਿਛੜੇ ਖੇਤਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ CBSE ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਫੀਲੀਏਟਿਡ ਹੈ। 2004 ਤੋਂ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 2000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ 4 ਵਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਰਸਰੀ ਵਿੰਗ, ਮਿਡਲ ਵਿੰਗ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੰਗ ਐਂਡ ਹਾਇਰ ਵਿੰਗ। ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਟਰੀਮਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਰਟਸ, ਮੈਡੀਕਲ, ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੀਚਰ ਪੂਰੇ ਮਿਹਨਤ, ਹਾਰਡਵਰਕਿੰਗ, ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਹਨ। ਡਾਲੇਵਾਲ ਕੀ ਇਸ ਸਰਜ਼ਮੀਂ ਪਰ ਹੀ ਇੱਕ +1 ਤਥਾ +2 ਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਤਥਾ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਸੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਕੇ ਪਰਿਣਾਮ ਸਵਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਲਜੀਏਟ ਸਕੂਲ ਕੇ ਅਸਤਿਤਵ ਮੇਂ ਆਨੇ ਸੇ ਇੱਕ ਨਈ ਆਸ਼ਾ ਕੀ ਕਿਰਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਬੋਰਡ ਮੋਹਾਲੀ ਸੇ ਬਕਾਇਦਾ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਹੈ। ਜਬ ਇਰਾਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਤੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਪੱਕੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਲਜੀਏਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਹੈੱਡ ਹਾਂ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਾਣੇ ਮਾਨੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਔਰ ਜਾਣੇ ਮਾਨੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ +1 +2 ਮੈਡੀਕਲ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ +1 +2 ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਫੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬਟ ਆਲਸੋ ਫੋਰ NDA, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਬਿਤਾ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਔਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸੀ ਹੀ ਤਰਜ਼ ਪਰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਕੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਕੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਅਨਯ ਸਕੂਲੀ ਮੰਦਿਰ ਕੇ ਸੰਕਲਪ ਕੋ ਪੂਰਾ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ ਸਕੂਲੋਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਮਾਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਥਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓਂ ਕੋ ਪੀਛੇ ਨਾ ਰਹਿਣੇ ਕੇ ਉਦੇਸ਼ਯ ਕੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਚਿੰਗ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ। ਇਸਕੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਥਾ ਅਨਯ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਕੇ ਸ਼ਿਕਸ਼ਕ ਤਥਾ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜ੍ਞੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਨਕੀ ਸੇਵਾਓਂ ਕਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨੀਡੀ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਫੀਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹਨ। ਤੋ ਸਾਡੀ ਤਮੰਨਾ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਹੋਸਟਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓਂ ਕੀ ਸਿਹਤ, ਭੌਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤਥਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੇ ਲੀਏ ਖੇਲੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓਂ ਕੇ ਲੀਏ ਕੰਟੀਨ ਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ਮੇਂ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਔਰ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਣੇ ਕੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਆਨੇ ਜਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਇਨਕੇ ਸਭੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾਰਥੀਓਂ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤ, ਉਨਕੀ ਭਾਵਨਾਓਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਯੋਗਿਤਾ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕੇ ਲੀਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਤਥਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸੇ ਸੋਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਨਕੋ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਕੇ MD ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਰਕਤਾ ਕੇ ਸਾਥ ਸਟਾਫ ਏਵਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓਂ ਕੇ ਸਾਥ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਸ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਧਨੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਸੰਪਰਕ ਮੇਂ ਰਹਤੇ ਹੈਂ, ਤਾਕਿ ਕਿਸੀ ਕੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋ।
ये स्पष्ट है कि ट्रस्ट का उद्देश्य निरोल पैसा कमाना ही नहीं बल्कि समाज में विद्या का प्रकाश फैलाकर अच्छा जीवन आत्मनिर्भरता तथा समय के अनुकूल बनाना है। इन उद्देश्यों के लिए चाहे ट्रस्ट को कितना ही खर्चा उठाना पड़े वो माननीय इंजीनियर परमजीत सिंह के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाएगा, मगर माता पिता की ओर से ट्रस्ट को अपने बच्चों को बुरी संगत से बचाने, अनुशासन, नशाखोरी, अच्छे नागरिक बनाने तथा नैतिक मूल्यों के संकल्प संबंधी सौंपी गई जिम्मेदारी तथा भरोसे को निभाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जीवन के रुके बहाव को बहा रहा है परमजीत, कमल बन ताजगी महका रहा है परमजीत, तारों के छुपे काफिले संग ले चला परमजीत, चांद जो चमके गगन में वैसा ही सुंदर है परमजीत, अरविंदर का सुहाग सोहना, अरविंदर का सुहाग सुंदर, हम सफर हर राह का मोहब्बत से मोहब्बत खिला रहा इंजीनियर परमजीत, चल पड़ा तो बन गया काफिला, राह बने खुद बा खुद आसरा निरासरों के लिए, ज्योति बना परमजीत, ज्योति बना परमजीत।